सीधे आपको मध्य प्रदेश के खरगोन लिए चलते हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे निमाड़ के नौजवानों, मामा तुमसे पूछ रहा है, जरा प्यार से और जोर से बताना, क्या 4000 रुपया मिलना शुरू हुआ है? 4000 भी नहीं मिले। अब इसके बाद हमने कहा रोजगार क्या दोगे ये बता दो, क्योंकि इन्हें वचन दिया था हम नौजवानों को रोजगार देंगे, तो कमलनाथ मुझसे कहने लगे हम नौजवानों को ढोर चराने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे। निमाड़ के मेरे बेटा बेटियों, मुझे बताओ ढोर चराओगे क्या? अरे जोर से बताओ, ढोर चराओगे क्या? बैंड बजाओगे क्या? तो 1919 तारीख को कांग्रेस का ही बैंड बजा दो। यह 83 कह रहे हैं, 83 संकल्प हमारे पूरे हो गए, इनमें एक लिखा है सभी को गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली प्रदान करने के आदेश दे दिए गए हैं। निमाड़ वालों बताओ 24 घंटे बिजली मिल रही है? अरे जोर से बताओ मिल रही है क्या? भैया बिजली के तो ये हाल है, आती कम है जाती ज्यादा है, जाती है कि नहीं जाती? अब जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कमलनाथ वोट डालने गए तो क्या हमने पूरे कर दिए? ये वचन अगर तुमने पूरे किए होगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और नहीं तो तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ो। झूठ बोलते हैं, असत्य प्रलाप कर रहे हैं। अरे मेरे किसान भाइयों, किसानों को देने वाले सारे लाभ इस सरकार ने छीन लिए, और गरीब बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संबल योजना बनाई, गरीबों के लिए बनाई, किसानों के लिए बनाई, माताओं बहनों के लिए बनाई, इन बेईमानों ने वो संबल योजना के लाभ देना भी बंद कर दिए। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बच्चों के कल रिजल्ट आए 10वीं के और 12वीं के, मेरे भांजे भांजी अच्छे नंबर लेके आए, लेकिन क्या करूं अब मामा मुख्यमंत्री नहीं है, नहीं तो तुरंत लैपटॉप बच्चों को दे देता। और मेरी बेटियों, मेरी भांजियों, इस साल तो मामा स्कूटी दिलवाने वाला था। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खरगोन में जिस शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब बिजली जाती है तो मामा याद आता है।